थर्मल कंडक्टिविटी इन मेटल्स। सपोज करो ये मेटल रोड है, कॉपर की भी हो सकती है। इसके एक एंड को हमने होल्ड कर लिया, हाथ से पकड़ लिया, और दूसरा एंड हमने फ्लेम के ऊपर रख दिया। ओके, आप क्या देखोगे कि जिस एंड को हमने होल्ड किया था दैट विल बिकम हॉटर एंड हॉटर, गर्म होता जाएगा। ओके, इसको बोलते हैं कंडक्शन ऑफ हीट, कंडक्शन प्रोसेस बोलते हैं इसको, कंडक्शन ऑफ हीट। अब कंडक्शन यहां हमारे पास बेसिकली दो तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो है आपका एटॉमिक लेवल पे, एटॉमिक और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक लेवल। इलेक्ट्रॉनिक लेवल। अब सपोज इसको दोबारा से एज्यूम करते हैं, ये रोड है, ये इसका हॉट एंड हो गया, हॉट एंड, एंड दिस इज कोल्ड एंड। सपोज किया हमने कि ये हॉट एंड है और ये कोल्ड एंड। ओके, अब यहां से हमने इसको इंसुलेट कर दिया ताकि हीट जो है आपकी बाहर ना जा सके। ओके, हीट बाहर ना जा सके इसलिए इसको इंसुलेट कर दिया। ये एक यूनिफॉर्म रोड है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने ए ले लिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड एल जो है इसकी, 2L हम इसकी लेंथ मान लेते हैं, 2L, 2L मान ली, आप L भी मान सकते हो, ठीक है, 2L इज द लेंथ ऑफ दिस रोड। ओके, अब एटॉमिक लेवल पे पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। एटॉमिक लेवल पे क्या होता है कि हॉट एंड पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है एटम्स की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स हॉट एंड पे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कोल्ड एंड। तो यहां होगा क्या, जो हॉट एंड पे एटम्स हैं वो अपनी एनर्जी जो उसका नेबरिंग एटम है उसको ट्रांसफर करेंगे। सम ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉट एंड टू कोल्ड एंड, यानी अपने नेबर में जो एटम्स हैं उसको वो एनर्जी ट्रांसफर करेगा, जोशल करेगा। जोशल वर्ड यूज करते हैं हम इस यहाँ पे, जोशल मीन्स जो नेबरिंग एटम है उसको धक्का देगा, और वो जो नेबरिंग, सपोज करो ये एक नेबरिंग एटम है इस एटम का, इसने इसको एनर्जी दी, ठीक है, अब ये एटम है ये नेक्स्ट को एनर्जी देगा, और ऐसे जो है एनर्जी हमारी हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ ट्रांसफर होगी। इस सारे प्रोसेस में एटम्स जो हैं दे आर नॉट मूविंग, एटम्स आर नॉट मूविंग, एनर्जी ट्रांसफर होती है हॉट एंड से कोल्ड एंड पे, हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है। ओके, दूसरा केस आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक लेवल। इलेक्ट्रॉनिक लेवल की बात करें तो ये मोस्ट ऑफ द मेटल्स में यही केस होता है हमारा। ओके, मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते कहां से है हमारे पास, सपोज करो एटम का ये न्यूक्लियस है, ये इसके ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सपोज करो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, इसमें हमारे एक या दो इलेक्ट्रॉन हम मान लेते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन हैं सपोज करो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनको बोलते हैं हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटल के केस में जितने ज्यादा दूर होंगे उतनी ज्यादा इस न्यूक्लियस की पकड़ इन इलेक्ट्रॉन्स पे कम होगी, इट मीन्स जो न्यूक्लियर फोर्सेस होंगी वो इन पे कम होंगी, दे आर लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जब इनको जरा सी भी एनर्जी मिल जाए देन दे विल लीव द एटम, एटम को छोड़ देंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ओके, अब यहां हॉट एंड पे क्या हो रहा है,
हॉट एंड पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली, ओके उन्होंने एटम को छोड़ा और दे आर फ्री। जब ये फ्री हो गए तो इलेक्ट्रॉन्स जो है यहां से कोल्ड एंड की तरफ मूव करेंगे और एनर्जी को कैरी करके ले जाएंगे, हीट एनर्जी को कैरी करेंगे यहां से यहां तक। अगर हम बात करें एक मेटल रोड की 20 डिग्री सेल्सियस पे और एक पीस ऑफ वुड की, लकड़ी के टुकड़े की बात करें एट सेम टेम्परेचर, ठीक है, उस केस में जो मेटल होगा 20 डिग्री सेल्सियस पे वो कम, यानी हम कहेंगे कोल्डर होगा एज कंपेयर टू दिस वन। क्यों होगा कोल्डर? क्योंकि मेटल के केस में ये हॉट एंड से और यहां तक जैसे हम पकड़ेंगे एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन वुड के केस में एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती। वुड के केस में देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए ये इंसुलेटर की तरह काम करता है। हीट ट्रांसफर के लिए कंडीशन है कि टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा दो एंड पे तभी हीट ट्रांसफर होगी एक एंड से दूसरे एंड पे। और हीट कहां से कहां ट्रांसफर होगी? हायर टेम्परेचर से टू लो टेम्परेचर। और ये क्यों, हायर से लो क्यों होती है, ये मैंने इन दोनों केसेस में एटॉमिक लेवल और इलेक्ट्रॉनिक लेवल में एक्सप्लेन आपको कर दिया। अब दोबारा से हम इस यूनिफॉर्म रॉड पे आते हैं। सपोज टी एच हॉट एंड का टेम्परेचर है और टी सी कोल्ड एंड का टेम्परेचर है, और डी क्यू जो है दिस इज अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड थ्रू द रोड इन टाइम डी टी, रेट ऑफ हीट फ्लो दिस इज गिवन बाय डी क्यू बाय डी टी, ओके। और इसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं यहां पे, ठीक है, और एच जो है हमारा इसको हम बोलेंगे हीट करंट, एच इज हीट करंट, ओके। अब एक्सपेरिमेंटली क्या हो रहा है कि जो ये हीट करंट है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस रोड, आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ टू एंड्स, हॉट एंड और कोल्ड एंड के टेम्परेचर का डिफरेंस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दिस रोड। तो यहां से हम बोल सकते हैं एच इज इक्वल टू के इंटू ए टी एच माइनस टी सी अपॉन टू एल, ओके, वेयर के इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, के हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट हो गया, ओके। अब ये जो क्वांटिटी टी एच माइनस टी सी अपॉन टू एल है, यानी इसको हम बोल सकते हैं द टेम्परेचर डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ओके, टेम्परेचर डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द रोड, ओके, टेम्परेचर डिफरेंस इसको बोलेंगे, ओके। अब न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के किस किस पे डिपेंड करेगी? दिस डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द रोड। अब मटेरियल्स विद के, लार्ज के आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, एंड मटेरियल्स विद स्मॉल के आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। जिसमें K की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, जिस मटेरियल में K की वैल्यू ज्यादा होगी दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और जिसमें K की वैल्यू कम होगी दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ
हीट। ओके, अब H की यूनिट्स क्यों होंगी, इस H की हमारी यूनिट्स हीट करंट की। हीट करंट को हमने एक्सप्लेन किया था रेट ऑफ हीट फ्लो। ओके, अब ये हमारी क्या होगी, एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड मतलब एनर्जी, जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है। ओके, तो ये आ गई एनर्जी की यूनिट हमारी क्या होती है, जॉल एंड पर यूनिट टाइम, जॉल पर सेकंड, या इसको हम वाट डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो हीट करंट की यूनिट होगी हमारी वाट, एसआई यूनिट्स। ठीक है, ऐसे ही हम के की यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं, इस के की यूनिट यहां से हम लें, अगर के क्या है हमारा, के इक्वल टू एच इंटू टू एल अपॉन ए टी एच माइनस टी सी। ओके, एच की यूनिट होगी हमारी, इसको यूनिट्स की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एच की होगी वाट और लेंथ होगी मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर एंड टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर ही होगा ये केल्विन, तो ये मीटर से मीटर कैंसिल, तो के की यूनिट्स होगी, यूनिट्स ऑफ के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो आया था वो होंगी हमारी वाट पर मीटर केल्विन। जो डेड एयर होती है हमारी, डेड एयर मींस नॉट मूविंग, नॉट मूविंग एयर, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत स्मॉल होती है, वेरी स्मॉल। ओके, अब जैसे हम सर्दियों में, विंटर्स में स्वेटर डालते हैं, स्वेटर में क्या होता है, स्वेटर में जो फाइबर में बीच में एयर ट्रैप हो जाती है, यू कैन से जो उसके फाइबर्स हैं जो बीच में स्वेटर के होल्स होंगे वहां एयर ट्रैप हो जाएगी, और वो एयर जो डेड एयर होगी दैट विल नॉट मूव, और उसके मूविंग की वजह से जो है वो टेम्परेचर जो अंदर है हमारा वो गर्म रहेगा और बाहर ठंडा रहेगा, क्योंकि बाहर की ठंड जो है वो, या हम कहें कि अंदर की जो गर्मी है वो बाहर ट्रांसफर नहीं होगी, क्योंकि एयर जो है वो नॉट मूविंग है। अब हमें थर्मल कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला चाहिए, रिलेशन चाहिए, उसके लिए हम करते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट हॉट एंड। यहां पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, दिस इज 3/2 के बी इंटू टी, टी कितना है हमारा, टी एच है, टी इज टी एच एयर। ओके, और ये के बी है, जो के बी इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, कांस्टेंट टी एच हॉट एंड का टेम्परेचर है। ओके, अगर हम एन कहें, लेट एन बी द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल, नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल एंड वी बार जो है रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की। अब सपोज करते हैं हम ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ओके, ये नेगेटिव जेड, नेगेटिव वाई एंड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। अब ये छह डायरेक्शन आपके पास होगी, पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई एंड पॉजिटिव जेड, नेगेटिव जेड। ठीक है, अब इन छह डायरेक्शन में सपोज करो प्रोबेबिलिटी इक्वल है इलेक्ट्रॉन की मूव करने की। ओके,
अब ये सारा यहां से तो हमने इंसुलेट कर दिया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ तो मूव नहीं कर पाएंगे, सिर्फ एक डायरेक्शन बची है यहाँ पे, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो इस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन्स की मूव करने की? दिस विल बी 1/6 n v bar। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सपोज करो मैं इस पॉइंट पे लेता हूं पॉइंट पी, ओके, और ये पॉइंट पी जो है आपका ये मिडवे है, यानी यहां से यहां तक ये लेंथ होगी एल, और यहां से यहां तक लेंथ हमने मान ली एल, ठीक है, एल एल मिड पॉइंट है इसका। ओके, इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम विल बी 1/6 n v bar। ओके, पी पॉइंट पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग द यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, दैट इज इतने, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 3/2 kBTh। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ओके, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एच एच से, हॉट एंड की बात करें हम, ठीक है, तो 1/6 n v bar इंटू 3/2 kBTh, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/4 n v bar kB इंटू TH। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एट पॉइंट पी फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड। सिमिलरली हम हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम कोल्ड एंड टू हॉट एंड ले सकते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर वन थी, ये इक्वेशन नंबर टू मान लिया हमने। ऐसे ही हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम कोल्ड एंड टू हॉट एंड, ओके, दिस विल बी अगेन 1/6 n v bar इंटू 3/2 kB इंटू TC। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग एट पॉइंट पी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एंड दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये हो गया हमारा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट कोल्ड एंड, और एच सी हमारा कोल्ड एंड पे अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम आ गया 1/4 n v bar kB इंटू TC। ये पी पॉइंट माना था हमने, इस पे नेट हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्या होगा हमारा? एच से रिप्रेजेंट किया उसको, एंड दिस विल बी इक्वेशन नंबर टू और थ्री से एच एच माइनस एच सी। ओके, तो यहां से हम पुट करते हैं 1/4 n v bar कॉमन हो गया, ये दोनों में है, ओके, के बी भी दोनों में है, एंड टी एच माइनस टी सी, टी एच माइनस टी सी। ओके, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर फोर। अब इक्वेशन नंबर फोर को और वन को अगर कंपेयर करें, ठीक है, और इसमें इक्वेशन नंबर वन में जो एरिया है वो हम यूनिटी ले लें, वन ले लें, तो यहां पुट कर दे और वैल्यू के इंटू वन टी एच माइनस टी सी अपॉन 2L इक्वल टू 1/4 n v bar kB TH माइनस TC। ये एरिया को हमने वन ले लिया, ओके, टी एच माइनस टी सी कैंसल, ये टू हो गया, तो हमारे पास K की वैल्यू क्या आई? K इक्वल टू n v bar kB इंटू L अपॉन 2। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी,
इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सीई से, सीई इक्वल टू 3/2 इंटू आर। आर हमारा गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है जो, और इसकी वैल्यू होती है आर इक्वल टू एन इंटू के बी। ओके, आर इक्वल टू एन के बी होता है, तो यहां से हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 3/2 एन के बी। ओके, ये इक्वेशन नंबर 6, और इक्वेशन नंबर 6 को हम दोबारा से लिख सकते हैं एन के बी की टर्म में, एन के बी इक्वल टू 2/3 सी ई, 2/3 सी ई। ये 2/n के बी हमने क्यों यहां से निकाला, ताकि हम k में एन के बी को एलिमिनेट कर सकते हैं, एन के बी को एलिमिनेट कर सके। तो इसमें इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देंगे इस इक्वेशन नंबर 7 से एन के बी की वैल्यू, तो k इक्वल टू ये आपका था एन के बी, पुट कर दिया 2/3 सी ई इंटू 1/2 वी बार एल। नाउ k इक्वल टू 1/3 सी ई, इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यू कैन से, वी बार इंटू एल। ये 8th इक्वेशन आ गई। अब इस 5 और 8 इक्वेशन से, रिलेशन से हम थर्मल कंडक्टिविटी इन मेटल्स निकाल सकते हैं। ये k ही हमारा थर्मल कंडक्टिविटी होता है, थर्मल कंडक्टिविटी, इन मेटल्स। थैंक यू।